लेट करके आया कि इसने जी ऐसा बोल दिया और वो फेक वो उन्होंने इस तरह से चलाया कि फेक डिटेक्ट कर। मेरे साथ भी बड़े अच्छे टर्म्स है और फील्ड ऑफिसर्स आर ऑन द सेम पेज, ट्रैफिक्स में भी जो एसएसपी साहब आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो द टीम ओवरऑल इज़ वेरी गुड। एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है टीम महीने में, इवन ऑल माय ऑफिसर्स व्हिच हु आर इंटरेक्टिंग विद यू इन एनी कैपेसिटी इनफॉर्मली फॉर्मली, इट हैज़ बीन अ वेरी गुड पॉजिटिव रोल दैट आई हैव सीन। आप लोग व्हाट अबाउट मैम अबाउट द जनरल, लोग सिंपल हैं, इश्यूज भी इनके हैं कई बार इनको बात कहनी नहीं आती है, बट द issues they have is very simple. मतलब एक खौफ उससे पैदा होगा, बहुत उसका असर पड़ा उस पे। अब किसी अपने नामी करते हैं रामबन के लोग हैं, any by giving any good facility we should be giving it and I am very much into this कि मैं ये सेक्रेटरी है म्युनिसिपैलिटी में नहीं दी है ना, लेकिन वो क्राइम है क्योंकि जब आप फैसिलिटी मेरे को आप म्युनिसिपैलिटी की चेयरमैन को बोलो ना ये नहीं नहीं सर मैं बता रहा हूं आपके क्राइम हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस रामबन में आज हमने रामबन डिस्ट्रिक्ट की जो मीडिया फ्रेटर्निटी है, मीडिया से रिलेटेड प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो मौजूद जर्नलिस्ट हैं रिपोर्टर्स हैं उनकी एक छोटी सी मीटिंग की है विच वाज प्रिसाइडेड बाय एएसपी रामबन एंड डीएसपी हेडक्वार्टर्स एज वेल। जो मीटिंग का मुद्दा था एक जनरल इंटरेक्शन और एक फीडबैक का था कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन का कैसा काम चल रहा है, और एक मीडिया से रेपो बनाने की भी बात थी कि पॉजिटिव न्यूज़ एंड कंस्ट्रक्टिव रिपोर्टिंग की जो बात है वो हम इसको सॉलिडिफाई कर सकें, हम उस चीज़ पे काम कर सकें, सो दैट जो मीडिया है वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी कॉम्प्लीमेंट करेगी और जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं इश्यूज़ हैं उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में भी रिपोर्ट करेगी सो दैट उसको हम और इम्प्रूव कर सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं अभी कुछ दिनों में बड़ी ईद आने वाली है, एक बहुत अच्छा बड़ा फेस्टिवल आने वाला है। इस फेस्टिवल के नस्बत ये लोगों से अपील है कि जो सोशल मीडिया है उसको बड़े रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें, आप चेक करें फैक्ट्स, जो भी आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपको फेसबुक में या कोई भी सोशल मीडिया चैनल पे या उसमें आपको कोई न्यूज़ मिलती है, वेदर दैट न्यूज़ इज़ ट्रू और नॉट, वेदर इट इज़ फेक और वेदर इट हैज़ रियली हैपेंड और नॉट, उसके बाद ही वो न्यूज़ आप शेयर करें। ऐसा ना कर कोई ऐसी चीज़ जो कम्युनल हारमोनी को इफ़ेक्ट कर सकती है या किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचा सकती है, ऐसी कोई भी चीज़ आप बेवजह बिना सोचे फॉरवर्ड मत करें, मत शेयर कीजिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन ऐसे सब केसेस के लिए काफ़ी सीरियसली मॉनिटर कर रही है, हमारी पूरी लैब इसमें लगी है कि कोई भी ऐसी अगर सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल करता है वो भी बिना सोचे या समझे तो उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी कानूनन इसमें सेक्शंस लगेंगे वो सब धाराएं भी लगाई जाएगी। तो मेरी यही अपील है लोगों से भी कि आने वाले टाइम में आप कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए फेस्टिवल मनाएं और फेक न्यूज़ और फेक सर्कुलेशन जो भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकती हैं उनको सर्कुलेट करने से बचें।